बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। लॉगरिथम का चैप्टर है और इसकी एक्सरसाइज जो है 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने शुरू किया हुआ है। उसके हमने पहले 4 पार्ट्स कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 1 के। लॉगरिथम का चैप्टर है तो आप हम जो है वो पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, वॉच करें। जो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें। चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो पार्ट नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है यूज़ लॉग टेबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, पार्ट नंबर 5 है 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 ओवर 0.0075 मल्टीप्लाई 1278। इसको हम जो है वो सिंपलीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस ये जो रकम दी है उसको हम लेट कर सपोज कर लें कि ये एक्स की इक्वल है। हम क्या करना है, इसको सपोज करना है, लेट जो है ये एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स के इक्वल रकम है 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 ओवर, इसको हम जो है नीचे रकम लिखेंगे 0.0075 और मल्टीप्लाई हो रहा है 1278। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट जी, आपके सामने रकम है, इसको हम जो है वो लॉग ले लें दोनों तरफ, जो है वो जो रकम लिखी है इसकी क्या कर लें, इसका लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर जो है वो क्या कर लें, लॉग ले लें। तो ये लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 1.23 मल्टीप्लाई 0.6975 ओवर 0.0075 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1278। अब डी स्टूडेंट्स क्या करना है, आप फार्मूला अप्लाई करना है। ओवर में रकम है, ये आपके फार्मूला नंबर 2 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो अलग अलग हो जाएंगे और माइनस हो जाएगा, लाग ऊपर न्यूमरेटर की रकम माइनस लाग नीचे डिनोमिनेटर की रकम। तो हम क्या करेंगे, इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये लाग 1.23 और ये रकम ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली 6975 और ये माइनस लाग होगा नीचे वाली रकम डिनोमिनेटर वाली, ये 0.0075 और मल्टीप्लाई 1278। अब दूसरा फार्मूला डी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, दो रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहला फार्मूला, दो रकमें, दो या दो से ज़्यादा जितनी भी रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो इसका फार्मूला है कि अलग अलग लाग में आ जाती हैं और दरमियान में प्लस हो जाता है। जैसे लाग एम मल्टीप्लाई एन है, लाग एम प्लस लाग एन हो जाएगा। तो इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये लाग 1.23 प्लस लाग 0.6975। अब डी स्टूडेंट ये माइनस है तो माइनस के लिए ब्रैकेट ज़रूर लगाएं, तो ये लाग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्लस बार माइनस हो जाएगी। चले मैं थोड़ा सा स्टेप कर लेता हूँ, लाग 0.0075 और प्लस लाग 1278, ब्रैकेट क्लोज कर लें। अब डी स्टूडेंट्स क्या करना है, अब इसको इस तरह करना है कि इसका जो है वो हम इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं और जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लाग 1.23 प्लस लाग 0.6975 माइनस लाग 0.0075 माइनस लाग 1278।
ये डी स्टूडेंट ये प्लस बार माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगी। तो अब हम डी स्टूडेंट्स यहाँ जो है इसको हम लाग मालूम करते हैं और इसका जो है वो लाग टेबल से इसका लाग मालूम करेंगे। पहले आप ज़रा गौर करें, आप गौर करने वाली चीज़ है, अब जो चीज़ असल चीज़ वो आपके सामने आएगी, क्योंकि यहाँ चीज़ को बड़े गौर से सुने समझें देखें। अब यहाँ इसका इसका जो है इसका करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या है, ये सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही डेसिमल है, पॉइंट जो है वो शारिया सिग्निफिकेंट पोजीशन पर ही है। इसका मतलब है इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ज़ीरो प्लस। अब क्या करना है डी स्टूडेंट, ये प्लस हमने कर दिया, आप मेंटिसा मालूम करना है 12 लॉग टेबल में 12 3 के नीचे, लॉग टेबल पर 12 के सामने 3 के नीचे देखेंगे, 12 के सामने 3 के नीचे लॉग टेबल पर, आपकी बुक में आखिर में लॉग टेबल दिया है, 12 के सामने 3 के नीचे देखेंगे जी। लॉग टेबल में 12 के सामने 3 के नीचे 0 1 2, 12 के सामने 3 के नीचे 0 1 2 3, ये 0 8 9 9 आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 0 8 9 9। तो ये इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आइंदा एक सिर्फ बता देता हूँ, आगे आपने खुद ही जो है वो मालूम करना है। ये लॉग टेबल है, आप ये देखें, ये 12 है, 12 और ये इसके हाने हैं 0 1 2 3 4 9 तक है और आगे डिफरेंसेस के हाने हैं। तो हमने सिर्फ जो है वो 12 3 के नीचे देखना है, ये 12 है और 3 के नीचे 0 1 2 3, ये है 0 8 9 9। तो ये हम लिखेंगे, ये हम लिखेंगे और इसको जो है वो इसका मेंटिसा आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, क्या आएगा जी, 12 जो है वो 3 के नीचे 0 1 2 3, 0 8 9, पॉइंट लिखेंगे 0 8 9 9। अब ये हो गया जी सॉल्व। अब यहाँ प्लस लगा दें, यहाँ इसका डी स्टूडेंट इसका देखें, यहाँ जो है वो डेसिमल है, पॉइंट यहाँ है, इसको उठाकर सिग्निफिकेंट पोजीशन लेफ्ट से एक हिस्सा छोड़कर नॉन ज़ीरो छोड़कर लाना होता है। तो अब अगर पॉइंट को उठाकर इधर ले जाएंगे तो करेक्टरिस्टिक्स माइनस होगा, पॉइंट को उठाकर इधर ले जाए लॉग में तो ये करेक्टरिस्टिक्स प्लस होगा। हमने पॉइंट को उठाकर राइट की तरफ ले जा रहे हैं तो पॉइंट को उठाकर जितने डिजिट उठाएं उतना करेक्टरिस्टिक्स माइनस का होगा। तो एक डिजिट उठाया तो इसका करेक्टरिस्टिक्स माइनस 1 होगा और आगे हम इसके मेंटिसा ऐड करेंगे 0.697 के नीचे, 0.697 के नीचे, सॉरी 697 के नीचे, पॉइंट की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ वो एंटी लॉग में पॉइंट होता है, 697 के नीचे, 697 के नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये 697 के नीचे 8 4 3 2 आ गया। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8 4 3 2, और आगे फ़र्क आलहाने 5 में, फ़र्क आलहाने 5 में, 5 में देखेंगे तो ये फ़र्क 3 आ रहा है जी, 3 इसमें ऐड कर देंगे और ये 8 4 3 5 आ जाएगा, 8 4 3 5 आएगा, पॉइंट लिखना है 8 4 3 5। अब डी स्टूडेंट्स आगे जो है वो देखें, ये इसको भी सॉल्व कर लिए, इसको भी आगे माइनस। अब यहाँ देखें, ये है इसका इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें जी, यहाँ जो है इसको उठाकर पॉइंट को उठाकर यहाँ रखना है सिग्निफिकेंट, इस तरफ ले जा रहे हैं पॉइंट को, तो करेक्टरिस्टिक्स माइनस में होगा, यहाँ रखना है 7 के आगे, तो कितने डिजिट उठाया है 1 2 3, नॉन ज़ीरो के आगे रखना है, ज़ीरो के आगे नहीं रखना, तो यहाँ पॉइंट रखेंगे तो कितने डिजिट उठाया है 1 2 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स माइनस 3 आ जाएगा और प्लस पॉइंट आगे 75 ज़ीरो के नीचे, 75 आगे कोई इंसान नहीं है तो हम ज़ीरो के नीचे देखेंगे, 75 ज़ीरो के नीचे ये आ जाएगा लॉग टेबल में 8751, पॉइंट 8751। आगे आगे जी दूसरा देखेंगे 85
81। आगे हम जो है ये यहाँ इसका पॉइंट किधर है जी, जिसका पॉइंट नज़र ना आए, आहर में पॉइंट होता है, जिसका पॉइंट नज़र ना आए तो क्या होता है, आहर में पॉइंट, यहाँ से पॉइंट, यहाँ एट के आगे पॉइंट है, पॉइंट को उठाकर ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है, इस पोजीशन पर रखेंगे तो कितने डिजिट उठाएंगे, 1 2 3, तो ये प्लस 3 होगा। देखें ये पॉइंट को उठाकर इस तरफ ला रहे हैं, प्लस 3 होगा और प्लस पॉइंट 12 7 के नीचे, 12 7 के नीचे, 12 0 ये 7 के नीचे आ जाएगा, 12 7 के नीचे 0 1 2 3 4 6 7 ये आ गया, 12 7 के नीचे 10 3 8 और फ़र्क आले हाने 8 में देखें जी, फ़र्क आले हाने 8 में 12 7 के नीचे हमने देख लिया 10 36 आ गया, आगे फ़र्क आले हाने 8 में 27 आ रहा है जी, 27 इसमें ऐड कर देंगे, 8 7 15 3 2 12 5 5 6 और ये आ जाएगा 8 7 15 5 6 10 6 5 ये पॉइंट, ये आ जाएगा 10 6 5 ये आ गया जी, क्या आ गया, ये आ गया इसका। अब डी स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको हम या तो इसके जो है वो इसको इस तरह सिंपल मैं आपको बताता हूँ, इसके आप क्रेस्टिटिक्स अलग कर लें, मेंटिस से अलग कर दें, यहाँ सिंपल आपका जो है वो जल्दी सिंपलीफाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा, फिर आपको यहाँ गलती का अम्कान नहीं रहेगा। ये एक नया तरीका है, मैं आपको बताता हूँ इसके, ये क्रेस्टिटिक्स जो है वो इकट्ठे कर लें और मेंटिसे इकट्ठे कर लें, क्रेस्टिटिक्स इकट्ठे कर लें और मेंटिसे जो है वो क्या कर लें, इकट्ठे कर लें। तो ये जो है इसका क्रेस्टिक्स क्या आएगा जी, यहाँ मैं ये चीज़ ज़रा गौर करें जी, क्रेस्टिक्स मैं इकट्ठे करने लगा हूँ, ये 0 -1 -3 +3 ये देखें मैंने इसके क्रेस्टिक्स जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं, 0 -1 -3 +3 अब मेंट से जो है वो अलग कर ले, मेंट से जो है वो अलग कर ले ताकि सिंपलीफाई हो जाएगा आसानी से, ये आ जाएगा प्लस 0.8 9 9 प्लस वाला, ये मेंट से प्लस वाला है प्लस 0.8 4 3 5 ये मेंट से माइनस वाला है, क्रेस्टिक्स भी माइनस वाला है वो हमने लिख दिया, ये मेंटिसा बार देखे माइनस माइनस वाला, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मेंटिसा माइनस 0.875 और ये भी जो है ये क्रेस्टिक्स प्लस वाला था वो लिख दिया, मेंटिसा ये देखे बार आ गया, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 0.1065। अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं जी, कैलकुलेटर से सिंपलीफाई कर लेते हैं, पहले तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, चलें ये आपके सामने है, अब ये देखें -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये -1 और 0 -1 -1 आएगा, ये क्या आएगा -1। अब प्लस इसका ये जो है वो ये मेंटिसा, ये क्रेस्टिक्स जो मेंटिसा का रिजल्ट आएगा उसमें प्लस होगा, तो इसलिए प्लस किया इसको। अब यहाँ इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, मेंटिसे जो अलग की है इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखें जी ज़रा गौर करें, मैं लिखने लगा हूँ +0.8 9 9 +0.8 9 9 आगे +0.8435 -0.875 आगे -0.1065 ये कैलकुलेटर से आप कर लें, ये आ गया माइनस
ये आ गया माइनस 0.0481। ये मेंटिसा हमने जो है सिंप्लीफाई, क्रेस्टेटिक्स को अलग कर लिया, मेंटिसे को हमने अलग कर लिया, क्रेस्टेटिक्स जो है वो माइनस वन आ गया, मेंटिसा भी आगे माइनस में आ गया, माइनस 0.0481। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो याद रखें कि ये जो चीज़ होती है कि ये मेंटिसा माइनस में नहीं आना चाहिए, मेंटिसा क्या आना नहीं आना चाहिए, माइनस में नहीं आना चाहिए, मेंटिसा हमेशा जो है ये प्लस में आता है, मेंटिसा हमेशा क्या आता है प्लस में आता है, तो इसको माइनस में नहीं आना चाहिए। इसको क्या करेंगे अब, मेंटिसा जो है इसको प्लस करने के लिए इसमें अपनी तरफ से हम एक प्लस वन करेंगे और एक माइनस वन करेंगे। ज़रा गौर करें, इसको माइनस वन प्लस, मेंटिसा माइनस में नहीं आना चाहिए, इसको हमेशा मेंटिसा प्लस में आता है, तो ये माइनस 0.0481 हम अपनी तरफ से एक प्लस वन कर देंगे इसमें और एक प्लस माइनस कर देंगे इसमें। हमने अपनी तरफ से प्लस वन किया, माइनस वन किया, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि मेंटिसा माइनस में नहीं आना चाहिए इसको हम प्लस करने के लिए। अब क्या करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 0.0481 प्लस वन, ये वन से माइनस हो जाएगा तो मेंटिसा प्लस में आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें, ये माइनस वन में उसी तरह जो बचा हुआ है मैं क्रेस्टिक्स, अब प्लस, अब यहाँ देखें इसको हम जो है वो करेंगे तो ये क्या आएगा, इसमें प्लस वन कर लेते हैं, प्लस वन और ये इज ये आ जाएगा 0. प्लस में आ जाएगा 0, ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट 0 लगाने की ना भी लगाएं 0 तो इसका कोई अर्ज नहीं, अगर लगा लें भी ले लें तो कोई अर्ज नहीं, 0 इसका क्रेस्टिक्स 0 है, तो ये आ जाएगा 0.95119 और ये माइनस वन, ये बचे, ये तो वन से हमने इसमें वन से निकाल दिया तो ये आ गया, ये माइनस वन बचेगा, ये नीचे लिखा है, ये माइनस वन और ये माइनस वन आपस में सिंप्लीफाई हो गए तो ये माइनस टू और साथ ये मेंटिसा इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस ये नाइन, ये टू अगर थोड़ा सा ऊपर लगा लें, माइनस टू 9519, ये इसका हमने लॉग एक्स निकाल लिया जी, ये लॉग एक्स। अब यहाँ क्या करना है डियर स्टूडेंट, एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर एंटी लॉग ले लें, तो ये आ जाएगा एंटी लॉग इनटू लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस 2.9519। अब क्या करें जी, ये लॉग और एंटी लॉग ये ख़त्म हो जाएगा, चलो इसको बाद में हम हल करते हैं, इसका क्रेस्टिक्स क्या आ गया माइनस टू और ये इसमें 0.95 के सामने वन के नीचे और फ़र्क आ लिहाने नाइन में, फ़र्क आ लिहाने नाइन में एंटी लॉग में 0.951 के नीचे एंटी लॉग 0.951 के नीचे ये आ जाएगा 0.951 के नीचे देखा 8933 आया, आगे फ़र्क आ लिहाने नाइन में, फ़र्क आ लिहाने नाइन में देखेंगे तो 19 आता है, 9 तीन बार 12 और 3 एक 4 4 1 5 और ये 9 8 ये आ गया जी, ये क्या आ गया मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा ये 0.9 चले, ये एंटी लॉग वाला टेबल है, ये एंटी लॉग वाला टेबल है, एंटी लॉग वाला ये 0.95 ये 0.95 है
और वन के नीचे ये ज़ीरो वाला आना है और ये वन एट एट नाइन थ्री थ्री आ गया। आगे फ़र्क आले आने में ये फ़र्क आले आने उसी में ये देखे 19 आ रहा है, ये नाइन वाला फ़र्क आला आना है, ये क्या आ रहा है 19 आ रहा है, तो ये 19 मैंने उसमें ऐड कर दिया है और ये आ गया 8 9 5 9 8 9 5 9। तो यहाँ देखें ये लाग और एंटी लाग ख़त्म हो जाएगा, एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 8 9 5 2 8 9 5 2। अब यहाँ से देखकर ये इसकी सिग्निफिकेंट पोजीशन है, यहाँ से देखकर जितना करेस्टेटिक्स है उतने डिजिट छोड़कर जो है वो पॉइंट लगाना है। तो करेस्टेटिक्स अगर माइनस का हो तो ये आपने लेफ्ट की तरफ जाना है एंटी लॉग में, करेस्टेटिक्स माइनस का है तो हमने लेफ्ट की तरफ जाना है, कितने डिजिट छोड़ने हैं जितना करेस्टेटिक्स है, कितना करेस्टेटिक्स है दो है क्रेस्ट माइनस का, तो इसलिए माइनस का है तो हमने इस तरफ आना लेफ्ट की तरफ दो डिजिट छोड़कर ये सिग्निफिकेंट पोजीशन से। तो ये सिग्निफिकेंट पोजीशन है, दो डिजिट छोड़ने हैं तो ये एक तो डिजिट है ऑलरेडी और दूसरा नहीं है तो ये ज़ीरो लगा लेंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो ये पॉइंट जो है ये इधर ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट आपका आंसर है 0.0895 0.09852 भी है, टू को अगर आपने ख़त्म करना है तो ख़त्म कर दें, दो डिजिट पर रखना है आपने तो दो पर रख दें, तो ये एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 0.089 0895। ये इसका आंसर है, फोर डिजिट पर रखना है तो ये पाँच से फाइव से लेस है इसलिए आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो ये डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है 0.0895। इसका आंसर ज़रा चेक कर देते हैं, फोर पार्ट है, फोर पार्ट नंबर जो है ये फाइव 0.0895 ये आंसर है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ आपको, ये तो आपको सामने ये आपको सॉल्व करना आता है, ये इजी है। यहाँ आगे यहाँ चीज़ जो है ये इसका हमने करेस्टेटिक्स भी मालूम कर दिया, मेंटिसा भी, वो करेस्टेटिक्स और मेंटिसा ऐड होते हैं, करेस्टेटिक्स या मेंटिसा ऐड कर दिए हैं दोनों। अब यहाँ जो मैंने पॉइंट ये एक मेथड बताया है वो सिंपलीफाई, बहुत सिंपल मेथड है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसके जो करेस्टेटिक्स इकट्ठे कर लिए हैं, 0 0 -1 -1 -3 -3 ये +3 +3 आप और मेंटिस अलग कर दिए 0.089 0.089, इसका ये मेंटिस है, इसका ये माइनस का है, चूँकि ये माइनस है बार तो इसलिए ये माइनस का और ये। अब हम -3 और +3 करेस्टेटिक्स ख़त्म हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 लगा दिया। अब इनको सिंपलीफाई किया तो ये प्लस, चूँकि करेस्टेटिक्स और मेंटिसा प्लस करना होता है, वो इसका मेंटिसा क्या आया माइनस में आ गया, मेंटिसा इसका क्या आया माइनस में आया, तो ये अगर ज़ीरो लगाएं भी ना भी लगाएं कोई अरज नहीं। अब इसका मेंटिसा क्या आया -0.0841। अब मेंटिसा माइनस में नहीं आना चाहिए, ये मेंटिसा हमेशा प्लस में, इसके लिए हमने अपनी तरफ से एक प्लस किया है वन और एक माइनस किया। अब 1 + 1 से ये रकम निकाल ली, कैलकुलेटर में 1 कर लें माइनस ये करें तो ये रकम आ जाएगी, ये इसका आ गया। और ये -1 ये इसी तरह ये -1 और ये -1 जो करेस्टेटिक्स जो है वो -2 आ जाएगा और ये इसमें ऐड हो जाएगा 0.95। एंटी लॉग ले लिया, इसका करेस्टेटिक्स क्या है, इसका करेस्टेटिक्स -2 है और ये 0.951 के नीचे देखा तो ये करेस्टेटिक्स को देखकर ये करेस्टेटिक्स -2 है तो यहाँ सिग्निफिकेंट पोजिशन से यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, टू को हम छोड़ देते हैं, फोर डिजिट पर रखते हैं। तो ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।